swerving in and out of lanes. Party all I every day. I'ma keep on going, I just want another 100K. Shawty wanna wet it rain, ride or die my everything. I'ma hit a terror, got me swerving through the interstate. Yeah. Ran away from the past and the nonsense. Tired of toxic ends, not an option. Made it out from the mud, I'ma find this. Taking off hella fast, I'm a Martian. Yeah, pressure on my body, I'm sinking. Yeah. Never had a copy for the clicks, nah, nah. Ayy, money always got me feeling big, yeah. In the drop top, zooming 96, I'm gone. That's amazing, that ain't cover me. What's up guys, welcome back to another video. So guys, आपने gameplay तो देख लिया होगा मैनोवार का. तो guys, मैं वैसे तो normally SMG का बनाता क्योंकि अभी SMG ख़त्म नहीं हुई है, but मैं इसका loadout इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि इस सीज़न की meta gun है, इसलिए मैं इसका loadout बना रहा हूँ. अब ये उन guns में से है जो कि बहुत अच्छी guns हैं, जो कि highly rated की जाती हैं by some of the best quality mobile players, but मुझे gun पसंद नहीं है. मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद. तो पहले हम इसको देखेंगे विदाउट एनी अटैचमेंट्स, ये गन कैसी है, और फिर मैं आपको इसका अच्छा सा लोडआउट बताऊंगा. ये गन लॉन्ग रेंज की काफ़ी अच्छी गन है, तो पहले इसको हम लॉन्ग रेंज पे देख लेते हैं. एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गन है. अगर आप विदाउट एनी अटैचमेंट्स भी खेलें तो लॉन्ग रेंज पे इजीली बंदा मार सकते हैं, काफ़ी अच्छी गन है. थोड़ा फायर रेट का इशू है, इतने कोई तेज़ गन नहीं फायर कर रही. बाकी हेडशॉट का देख लेते हैं. ठीक है, हेडशॉट नहीं लगे पर क्वाइट कंसिस्टेंट है अपर बॉडी पे, इसकी बुलेट्स जितनी भी जाती हैं काफ़ी कंसिस्टेंटली जाती हैं. तो गाइस, बात करें स्टॉक की, तो मैं यूज़ करता हूँ MFP स्ट्राइक स्टॉक, क्योंकि मेरे ख्याल से इस गन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है. क्योंकि अब अगर आप बाकी देखें तो उनके फ़ायदे कम हैं और नुकसान तो बहुत ज़्यादा है. आप देख सकते हैं 5 डिसएडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस बट 1 एडवांटेज. इसका उल्टा, इसका 3 एडवांटेजेस और 1 डिसएडवांटेज. इससे ADS बुलेट स्प्रेड काफ़ी कम हो जाता है, हिट फ्लिंच कम हो जाता है, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम हो, थोड़ा बहुत जो इसमें रिकॉइल है वो कम हो जाएगा, और ADS मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम, थोड़ी नहीं काफ़ी कम हो जाएगी इसकी. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया फायर रेट का और मूवमेंट स्पीड का इशू आएगा. तो अगर बात करें बैरल की, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूज़ करें OWC मार्क्समैन या आप यूज़ करें OWC रेंजर. रेंजर कम इफेक्टिव है क्योंकि आप देखें डैमेज रेंज रेंजर में 20 है और रिकॉइल हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल रिकॉइल 9 है. इसमें वर्टिकल रिकॉइल 14 है और डैमेज 35 है, तो यानी कि ये ज़्यादा अच्छा है. वरना बाकी आप ये ना यूज़ करें क्योंकि इसका इतना खास कोई फ़ायदा नहीं है. इसका बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि OWC मार्क्समैन हमेशा से एक अच्छा बैरल रहा है. तो पहले इसका आपको एडवांटेज बता दूं मैं, ADS बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है, डैमेज रेंज 35% ज़्यादा हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिकॉइल अगर हम दोनों को ऐड करें तो अराउंड 26 to 27% कम हो जाता है. उसके बाद जो डिसएडवांटेज है, मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, ADS मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, और ADS टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. नॉर्मली मैं पर्क यूज़ नहीं करता, बाकी ये पर्क जो ये भी ऑप्शनल है. आप चाहें तो इस पर्क की जगह आप चाहें तो आप मोनोलिथिक सप्रेसर यूज़ कर सकते हैं मजल में, बाकी ये आपकी अपनी मर्जी, या फिर आप पर्क यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ लॉन्ग रेंज, से डैमेज 10% बढ़ जाती है. अगेन एज अ सेट ये ऑप्शनल है, आप इस जगह मोनोलिथिक सप्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं. फिर बात करें लेजर की, तो मैं इसको कहता हूँ OWC लेजर टैक्टिकल. इससे क्या होता है, ADS टाइम कम हो जाता है और ADS बुलेट स्प्रेड भी कम हो जाता है. बात करें रेयर ग्रिप की, तो मैं यूज़ करता हूँ ग्रैनुलेटेड ग्रिप टेप, इन माय अपीयरेंस दी बेस्ट वन. तो क्या होता है, ADS बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है और ADS मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाती है, डिसएडवांटेज. तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.